तो हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेविलियम बाबा पर। एक्चुअली रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 रिबॉर्न का मैं माइलेज टेस्ट करने जा रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने इसमें एग्जॉस्ट मॉडिफाई करा था, आप देख सकते हो इसमें मैंने एग्जॉस्ट लगा रखा है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि इसके बाद कुछ माइलेज का फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा है, ये चीज़ें हो रही थी। आप इसका एग्जॉस्ट देख सकते हो, मैंने इसमें लगाया है शॉर्ट बॉटल बड़ा मुंह, तो सब लोग यही बोल रहे थे इसमें कुछ माइलेज में कुछ फ़र्क आया है नहीं आया है ये चीज़ें। तो आज चलते हैं चेक करते हैं। और मैं इसको पहले चलता हूँ पेट्रोल पंप पे और इसको करवाता हूँ इसका टैंक फुल। टैंक टू टैंक देखेंगे माइलेज, क्योंकि एक्चुअल माइलेज तभी पता चलेगा। तो मैं निकल चुका हूँ अभी पेट्रोल पंप के लिए और देखते हैं क्या माइलेज आता है इसको। मैं सिटी में भी ड्राइव करूँगा, थोड़ा बहुत हाईवे पे भी चलेगा। तो एक्चुअली जो डेली यूजेज में होती हैं बाइक्स, डेली यूज में ये होता है कि सिटी में भी जाना होता है, थोड़ा बहुत हाईवे भी मिल जाता है। मैं इसको रफ भी चलाऊँगा, प्यार से भी चलाऊँगा, देखते हैं सारी चीज़ें चेक करते हैं क्या माइलेज इसमें एक्चुअल आता है और क्या फ़र्क आता है इसका। सो गाइस, ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, मैं बीच बीच में ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। कोई भी अगर सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन वगैरह पे मेरे से पूछ सकते हो। तो निकल चुका हूँ मैं अभी पेट्रोल पंप के लिए, यह है नोएडा सेक्टर 137। चलते करवाते हैं इसका टैंक फुल, इसके बाद मैं इसको चलाऊँगा। तो पेट्रोल पंप मेरे यहाँ से ऑलमोस्ट 6 लगभग 6 6.5 किलोमीटर है। गाइस मैंने इसका जो है पहली सर्विस मैंने करवा रखी है जो 500 किलोमीटर्स पे होती है, इसके बाद दूसरी सर्विस भी करवा रखी है मैंने जो 5000 किलोमीटर्स पे होती है। तो करेंटली मेरी जो बाइक अभी चल चुकी है, मैं ओडो आपको दिखाता हूँ, 7015 किलोमीटर्स इतना चल चुका है। और रही बात दोस्तों इसमें परफॉर्मेंस में, मुझे कोई बहुत फ़र्क नहीं दिख रहा है। पहले जो इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ था उसमें एक तो मज़ा नहीं आता यार, वो फिर रॉयल इनफील्ड वाला जो फील होता है ना वो नहीं आता है। ये लोग बोलते हैं कि रॉयल इनफील्ड का चार्म ही वही है कि इसमें जब तक वो डुग डुग और थम वो वाला साउंड ना आए ना, तब तक वो मज़ा नहीं आता है। तो मैंने भी करवा दिया है, बट ये है मेरा कैथलेटिक कन्वर्टर के साथ है, जो इसमें मैंने एग्जॉस्ट लगा रखा है कैथलेटिक कन्वर्टर के साथ लगा रखा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो हाँ, मैंने एक एग्जॉस्ट लगाया तो पिकअप वगैरह थोड़ा सा ना इनिशियल जो है मुझे लगता है कि जैसे बढ़ गया है, क्योंकि अगर बढ़ा है तो मुझे यही लग रहा है कि थोड़ा तो फ़र्क आएगा माइलेज पे भी, क्योंकि अगर पेट्रोल ज़्यादा ले रही है तो पिकअप वगैरह अच्छा देगी तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही निकलेगा। भाई यहाँ पे तो लंबी लाइन लगी हुई है, क्या करें अभी, फिल तो करवाना पड़ेगा। ये भाई लाइन में खड़ा है, शायद ये भी अपने अंदर टैंक वैंक फिट करा रखा है, शायद ये भी भरवाएगा क्या। तो गाइस कराते हैं पेट्रोल एक बार फुल। अभी जो प्राइस है पेट्रोल का 96.79 है नोएडा में, जहाँ से मैं अभी जिस टैंक से फुल करवा रहा हूँ। फुल कर दो, सो ये करंटली है 0, 96.79। हाँ तो ये आ गया है पूरा टैंक फुल। हाँ जी, हाँ जी, बस तो ये हो गया 6 99 का। हाँ स्लिप दे दो।
तो भाइयों मैंने टैंक करा लिया फुल, आप देख सकते हो बिल्कुल ऊपर तक आ गया है। और देखते हैं अब यहाँ से माइलेज, अब इसका मैं ट्रिप दिखाता हूँ आपको। टोटल जो बाइक चली हुई है अभी तक 7017.9 है। अब मैं इसका ट्रिप वन दिखाता हूँ, मैं ट्रिप वन करता हूँ रिसेट इसका। चलते हैं यहाँ से और देखते हैं फिर कितना फ्यूल इसमें पड़ता है। मैं विथ पिलियन हूँ तो ये भी एक अच्छी बात है। ट्रिप हो गया हमारा स्टार्ट। सो ये है यमुना जी, देख रहे हैं विनोद? हाँ देख रहे हैं। हाँ ये यमुना जी है, यहाँ पे जनरली ऑफिस टाइमिंग पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है गाइस। बेसिकली हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर। ये मेरा भाई है, इसको अपनी बंदी के लिए लेना है कपड़ा, कहता है कि वहाँ पे सस्ता मिलता है, कम बजट में काम हो जाएगा। ये मुंबई से सरोजनी आया है कपड़े लेने बंदी के लिए। कृपया घर वाले ये वीडियो ना देखें, नहीं तो सोनू की पोल खुल जाएगी मेरे। हम लोग बेसिकली सरोजनी, इसको देखा था इसने वीडियोज़ वगैरह में मुंबई से कि आऊँगा तो सरोजनी ज़रूर चलूँगा, तो मैं सोच रहा था कि चलो इसको लेके चलते हैं, सरोजनी भी दिखा लाते हैं। भाई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते ये लोग, कैसे कैसे लोग हैं, इतनी शर्म तो होनी चाहिए। तो हम बाइक को लेके ट्रैफिक वगैरह में भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हाईवे मिल रहा है, केवल हाईवे तो मिला भी नहीं, थोड़ा सा मिला था, थोड़ा भी नहीं मिला था भाई। मुझे लगा था हम नोएडा एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, हो सकता है वापस यहाँ से जाते टाइम उधर से होते हुए जाऊँगा। तो हो गई है यहाँ पे रेड लाइट, करते हैं थोड़ा सा इंतज़ार फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो बाइक अभी तक चल चुकी है 13.2 किलोमीटर्स और मेरी एवरेज स्पीड अगर आप देखो तो वो 60 की है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कहीं पे 80, कहीं पे 60, कहीं पे 40 ऐसे चल रहे हैं, तो मैं एवरेज स्पीड 60 मान रहा हूँ। हम हैं अभी ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, और अभी मेरी बाइक जो चली है 36 किलोमीटर्स। देखते हैं पेट्रोल पंप तक ये कितनी चलती है, यहाँ से थोड़ी दूर पे है, और निकालते हैं इसका माइलेज कितना आया हुआ है एक्चुअली। मैंने बाइक बहुत ट्रैफिक में भी चलाई है और हाईवे पे भी थोड़ा बहुत स्पीड में भी चली है, स्लो स्पीड में भी चली है, ब्रेकिंग क्लच सब यूज हुआ है अच्छे से। इस रोड की लिमिट जो है वो 100 किलोमीटर्स है पर आर। चलेंगे हम सेम पेट्रोल पंप पे जहाँ से मैंने करवाया था फिर। सो गाइस हम हैं अभी ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, और अभी मेरी बाइक जो चली है 36 किलोमीटर्स। देखते हैं पेट्रोल पंप तक ये कितनी चलती है, यहाँ से थोड़ी दूर पे है, और निकालते हैं इसका माइलेज कितना आया हुआ है एक्चुअली। तो मैंने बाइक बहुत ट्रैफिक में भी चलाई है। सो गाइस मैं पेट्रोल पंप पे पहुंच चुका हूं लगभग, और अब तक जो बाइक मेरी चल चुकी है वो है 49.7 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स। सो गाइस आप देख सकते हो 96.79, इसमें 120 का। बस करो एकदम बोला। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो जो बाइक चली है ओवरऑल टोटल
49.7 मतलब 50 ओवरऑल 50 मान लो बाइक चली हुई है इसका ट्रिप वन जो मैंने लगाया हुआ था, और मैंने इसमें अभी जो पेट्रोल फुल करवाया है 120 का सेम उससे है आप देख सकते हो, और पेट्रोल भी मैं दिखा देता हूँ जो फुल करवाया था बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले फुल करा के मैं लेके चला था उतना ही है प्रॉपर, आप देख रहे हो पूरा कैप तक है ऊपर भरा हुआ। एंड 120 का जब ये पेट्रोल पड़ा तो मतलब टोटल यहाँ पे 96.79 पेट्रोल है जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये हो गया मेरा जब 96.79 120 डिवाइड बाई 96.79 भाई मेरी उंगली काम नहीं कर रही है, मतलब 1.24 ओवरऑल 1.24 लीटर इसमें पेट्रोल पड़ा है, तो 50 किलोमीटर्स डिवाइड बाई 1.24 इतना चला है, तो मतलब मेरा मोटा मोटा 40 का माइलेज निकल आया है, तो आपने देखा भी था मैंने बाइक मतलब 40 का माइलेज दे रहा है, ये तो मतलब मेरे लिए तो अनबिलीवेबल है कि मैंने ऐसे मतलब स्पीड में भी चलाऊँ, तो ये चीज़ें तो लिटरली अमेजिंग है, और 40 का माइलेज देना मतलब एग्जॉस्ट चेंज के बाद भी 40 का माइलेज दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है माइक इसमें, और वो भी सिटी में दिल्ली जैसे सिटी ट्रैफिक वाली सिटी में। सबका मतलब ये क्वेश्चन भी था कि इसके बाद माइलेज का फ़र्क पड़ेगा, तो मुझे तो ओवरऑल नहीं लगा, तो हो सकता है 1-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ रहा हो तो भी ठीक है यार, अगर इतना माइलेज आ रहा है तो अच्छा है। सो गाइस अगर कोई सजेशन हो इस वीडियो में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी ऐसी वीडियोज़ अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।